अभी हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस। तो फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स के फॉर्म में होती है, हेंस इट इज पॉपुलरली कॉल्ड, इन्हें इसे पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। तो इसे पॉपुलरली पिल्स बोला जाता है। आगे ध्यान में, इट इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यूज बाय फीमेल्स। ये फीमेल्स द्वारा यूज की जाती है। दीज पिल्स कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेन हार्मोन। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेन, ये दो हार्मोन इसमें होते हैं। सो इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि दीज हार्मोन्स हार्मोन्स इनहिबिट ओव्यूलेशन। मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होता है, जो भी लेडी ये पिल्स ले रही होंगी उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। सो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एग। सो नो एग्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, तो एग फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो एग ओवरी से रिलीज नहीं होगा। ठीक है ना, सो देर इज नो कंसेप्शन। सो और दस कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी कैन नॉट ऑकर। ठीक है, ओके, दिस पिल्स हैव साइड इफेक्ट्स। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे नौशिया यानी जी मचलाना, मळमळणे ज्याला म्हणतात। त्यानंतर उसके बाद वेट गेन, वजन बढ़ जाना। देन टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, देन स्लाइट ब्लड लॉस, लॉस बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड। बीच बीच में ही मेंस्ट्रुअल पीरियड में तो ब्लड लॉस होता ही है, लेकिन दो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में कभी भी ब्लड लॉस हो जाना, थोड़ा सा दो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच ब्लड लॉस हो जाना, तो ये साइड इफेक्ट्स है। ठीक है ना, तो सहेली ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पील है, इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पील, है ना, सहेली नाम है उसका। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा ये स्पॉन्सर्ड की गई है। ठीक है, और इट इज नॉन स्टीरॉयडल। ये नॉन स्टीरॉयडल होती है और इट हैज़ टू बी टेकन वंस इन अ वीक।
हफ्ते में एक ही बार लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। इसके बाद में देखेंगे हम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में एक बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट आता है, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, जो फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है, यूज़ बाय फीमेल। इसमें क्या होता है कि एक तरह का छोटा सा एक जो इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव है इज़ अ टाइनी थिन रॉड, एक छोटा सा टाइनी थिन रॉड होता है। इट इज़ अबाउट अ साइज ऑफ मैच स्टिक, माचिस की जो तीली होती है ना, इट इज़ अबाउट अ साइज ऑफ मैच स्टिक। तो ये एक मैच स्टिक के साइज का होता है और इसे दिस कॉन्ट्रासेप्टिव इज इम्प्लांटेड, इट इज इम्प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म, अपर आर्म के स्किन में ये इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइनी रॉड होता है इसमें इट कंटेन्स, दिस रॉड कंटेन प्रोजेस्टेरोन एंड इस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन अगर रहता है तो क्या होता है अभी हमने ऊपर देखा, मतलब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बिल्कुल पिल्स की तरह है ना, पिल्स की तरह है कि इस पर ये जो हार्मोन है ये क्या इनिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन इनिबिट करते हैं, सो देर इज़ नो एग्स रिलीज्ड हियर। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी फॉर 3-4 ईयर्स, 3-4 ईयर्स प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इन हार्मोन्स की वजह से यहाँ पे नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब 3 से 4 साल तक ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर देती है। तो देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, एक टाइनी रॉड दिख रहा है ना, थिन रॉड मैच स्टिक के साइज़ का दिख रहा है, तो ये टाइनी रॉड यहाँ पे अपर आर्म में यहाँ पे स्किन के अंडर में इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों होता है जो समय समय पर रिलीज़ होते रहता है, और इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, और इस वजह से इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी 3-4 ईयर्स। तो ये हो गया अदर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट। तो यहाँ हमारे जो टेम्पररी मेथड्स है उसके बारे में हमने जानकारी ले ली, अब देखेंगे हम परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये परमानेंटली बर्थ कंट्रोल करने के लिए एक मेथड यूज़ की जाती है जिसे सर्जिकल मेथड बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। ठीक है, सर्जिकली कट किया जाता है वॉज डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब। तो मेन में
दिस परमानेंट मेथड इज कॉल्ड एज वाजिकटोमी, और वुमन में उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें ये जो दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। तो जो परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होती है उसमें मेल्स में ये जो वास डिफरेंस होते हैं उन्हें पहले टाई किया जाता है दो जगह पे, इधर यहाँ पे और यहाँ पे, और बाद में बीच में से कट किया जाता है। तो दिस वास डिफरेंस आर टाइड एंड कट एंड दिस इज कॉल्ड एज वासेक्टोमी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और फीमेल में जो परमानेंटली बर्थ कंट्रोल किया जाता है इसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब या और ओविडक्ट, इसे पहले बांधा जाता है फिर कट किया जाता है। देखिए, टाइड एंड फैलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। सो वाजेक्टोमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल इज द परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ओके। अभी हम देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP क्या होता है। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल और वॉलेंटरी, मतलब इच्छा अनुसार वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स MTP, ठीक है। इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, देखिए कि वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब इच्छा अनुसार पूरे 9 महीने होने से पहले, बिफोर फुल टर्म यानी 9 महीने पूरे होने से पहले अगर एबॉर्शन कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, समझ में आ गया। तो ये अब किस लिए आवश्यक है, तो इट इज़ इसेंशियल इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होंगी तब ये किया जाता है। ठीक है, इसेंशियल कब है, कब जरूरी है, तो इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। दूसरा हम बोल सकते हैं कि अगर फिटस का डेवलपमेंट डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस मतलब फीटस में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ये इंड्यूस प्रेगनेंसी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराई जाती है, है ना। और ये जो MTP है, MTP इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमस्टर, बाद में ये रिस्की हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमस्टर, मतलब पहले जो 3 महीने हैं अगर उसमें करते हैं तो इट इज़ सेफ, है ना। और इसमें जो डिफेक्टिव डेवलपमेंट जो है, अगर फीटस में अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो रही है तो इट इज़ एग्जामिन बाय एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीटस का अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो रहा होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो इससे एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन बाय एमनियोसेंटेसिस,
है ना, फिटस का डिफेक्टिव डेवलपमेंट एमनियोसेंटेसिस द्वारा एग्जामिन किया जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस यूज टू एक्सट्रैक्ट फीटल सेल्स फॉर जेनेटिक एनालिसिस। तो जेनेटिक एनालिसिस के लिए एमनियोसेंटेसिस यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ फीटस इन द यूटेरस। पहले सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से देख लिया जाता है कि बेबी की पोजीशन कैसे। उसके बाद में एक नीडल जो है, जो दिख रहा है ना यहाँ पे एक इंजेक्शन की तरह, दिस नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल एंड यूटेराइन वॉल। मतलब इसे एब्डोमिन में से यूटेराइन वॉल में ये नीडल इंसर्ट की जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इट इज़ द रिस्की प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्रोसेस है और इसे ट्रेन डॉक्टर के हाथों से ही करना ज़रूरी होता है। ठीक है, बाद में ये जो इंजेक्शन है अंदर जाने के बाद, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड को इकट्ठा कर लेता है। दिस एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब अभी इंजेक्शन में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ से निकाला गया है, कंटेनिंग फीटल सेल्स। अब इसमें क्या होते हैं, फीटल सेल्स होते हैं और इन फीटल सेल्स को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो फीटल सेल्स है वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के वजह से, और बाद में इन सेल्स को कैरियोटाइपिंग के लिए भेज दिया जाता है। कैरियोटाइपिंग मतलब क्या, तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है या फिर क्रोमोसोम का जो टाइप है, XX टाइप है या XY टाइप है, किस तरह से एबनॉर्मली अरेंज है या नॉर्मली अरेंज है, ये सब कैरियोटाइपिंग में देखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए कि जो भी क्रोमोसोम है वो पेयर में अरेंज है। अगर इसमें कोई भी पेयर में एक एक्स्ट्रा अगर क्रोमोसोम रिपीट हो जाता है तो ये जो बच्चा है ये एबनॉर्मल पैदा होगा। तो एबनॉर्मेलिटीज़ को अगर हमें डिफेक्टिव चाइल्ड अगर है उसे पहचानना है तो ये एमनियोसिंथेसिस ज़रूरी हो जाता है। एमनियोसिंथेसिस इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर उनके घर में कोई ऐसा मतलब ऐसी हिस्ट्री है कि बच्चों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट दिखाई देता है तो उन्हें कैरियोटाइपिंग करना चाहिए। लेकिन इसका ना मिसयूज़ होने लग गया था, मतलब फीमेल बेबी या मेल बेबी है ये इसमें बिफोर फर्स्ट टाइम से मतलब बहुत जल्दी पहचाना जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये तो इस तरह से मदर को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो मदर अगर कुछ भी थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाती है तो मदर की इसमें डेथ भी हो सकती है ब्लड लॉस हो गए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि रिस्क एसोसिएटेड विद द एमनियोसेंटेसिस, तो मिसकैरेज हो जाना, नीडल इंजुरी टू द फीटस, फीटस को नीडल इंजुरी हो जाना, उसके वजह से इन्फेक्शन होना, एमनियोटिक फ्लूइड लीक होना। अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक होता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इन्फेक्शन अगर हो जाए और पता नहीं चले तो दोनों बच्चे की और मदर की भी डेथ हो सकती है। ठीक है ना, तो जैसे कि जो MTP एक्ट 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज़ किया था, है ना, लीगलाइज़ किया था विथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशंस लागू किए थे टू अवॉइड मिसयूज़, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, बट इसे लीगलाइज़ कर दिया गया था क्योंकि कुछ केसेस में एबॉर्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द MTP एक्ट प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड, तो इससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट किए जाते हैं बट कुछ कंडीशंस के अनुसार, जैसे कि पहले जो फर्स्ट 12 वीक्स है उसमें ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जानी चाहिए, मतलब एबॉर्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 वीक्स से आगे बट 20 वीक्स से पहले, 12 वीक्स के बाद में अगर सपोज़ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी हो सकता है,
तो अगर 12 वीक्स में ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती है तो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 20 वीक्स से पहले करना ज़रूरी रहता है। लेकिन इसके लिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी रजिस्टर्ड, जैसे डॉक्टर जो होते हैं उनका ओपिनियन ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, तो उनके ओपिनियन के हिसाब से ही ये MTP करवाना चाहिए। बिकॉज़ क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है टू द प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन के हिसाब से रिस्क उसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए ये जो टर्मिनेशन करवाना चाहिए ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से ही करवाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा MTP, ठीक है।